हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि सिजेरियन डिलीवरी का प्रोसीजर कैसे किया जाता है और किस तरीके से फीटस एब्डोमिनल रूट से बाहर आता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था सिजेरियन डिलीवरी का, उसके अंदर इंडिकेशंस और टाइप्स के बारे में समझाया था कि कौन कौन सी परिस्थितियों में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है और कौन कौन से प्रकार की ये होती है। तो उसे आप ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे कि इस प्रोसीजर से पहले प्री ऑपरेटिवली, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है, तो प्री ऑपरेटिवली क्या प्रिपरेशन की जाती है, क्या क्या तैयारियाँ करनी ज़रूरी होती है इस सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले, एंड इस सर्जरी के अंदर कौन कौन सी लेयर्स जो कि एनकाउंटर होती है, जैसे कि यूजुअली इंसाइज करते हैं, कट करते हैं, देन फीटस तक पहुंचते हैं। तो इस प्रोसीजर के ज़रिए कैसे फीटस और प्लासेंटा को निकाला जाता है एंड कैसे स्यूचर करते हैं, एंड देन लास्ट में हम समझेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिवली यानी सर्जरी के बाद क्या केयर करनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। जैसे ही वुमेन एक सिजेरियन डिलीवरी के लिए प्लान्ड होती है कि हाँ, इसमें सिजेरियन डिलीवरी के जरिए ही फीटस बाहर आ सकता है, तो सबसे पहले वुमेन को NBM नेल बाय माउथ या नेल पर ओरल एटलीस्ट रखना चाहिए फॉर अबाउट 6 to 8 hours एटलीस्ट, ताकि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीशिया एस्पिरेट ना हो। ओके, सेकेंडली वुमेन जो है वो प्रायरली पहले से ही इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, यानी कंसेंट लेना जरूरी है ताकि वो अपनी डायग्नोसिस के बारे में समझ सकें और सर्जरी से होने वाले जो रिस्क है, चाहे वो उसे हो या फिर फीटस को, उसके बारे में वो पहले से ही अवेयर हो सके। ओके, सो कंसेंट लेना भी ज़रूरी होता है। देन वुमेन को प्री सर्जरी कुछ मेडिकेशन होती हैं जो देनी ज़रूरी होती हैं, लाइक एंटासिड्स है। एंटासिड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंटली गैस्ट्रिक कंटेंट अगर कुछ है और अगर वो एस्पिरेट हो जाता है तो लंग टिश्यूज़ को इंजॉर कर सकता है। सो उसे प्रिवेंट करने के लिए एंटासिड्स वुमेन को दे सकते हैं, एंड उसी के साथ में एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस यानी सर्जरी के कारण होने वाले इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम पहले से ही एंटीबायोटिक क्या कर सकते हैं, वुमेन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। सो एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस के अंदर यूजुअली सिफाजोलिन इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 grams, और यानी सिफालोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन दे सकते हैं, बीटा लैक्टैम एंटीबायोटिक्स होते हैं जो। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग वुमेन के अंदर एलर्जी है तो उसके बजाय क्लिंडामाइसिन और जेंटामाइसिन भी कंबाइंडली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। जेंटामाइसिन जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, तो अगर वुमेन जो है ये इलेक्टिवली मतलब पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि इस वुमेन के अंदर सिजेरियन होना है, तो ऐसे इलेक्टिव केसेस के अंदर एंटीबायोटिक एटलीस्ट 60 मिनट प्रायर पहले से देना ज़रूरी होता है ताकि वो बेटर इफेक्ट कर सकें। एंड अगर फिर भी इमरजेंसी में अगर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम एंटीबायोटिक को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। नाउ कई ब्लड इन्वेस्टिगेशन वुमेन के सेंड करना ज़रूरी होता है, लाइक स्पेशली द CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और कई काउंट्स को देख सकते हैं, ताकि वुमेन कितना लेवल पे ब्लड लॉस को टॉलरेट कर सकती है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसी के साथ में सर्जरी से पहले के ब्लड वैल्यूज उसके कितने हैं, एंड देन पोस्ट ऑपरेटिव कितना चेंजेस आया है उसे भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। एंड ना केवल ये, बल्कि हमें ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है। हो सकता है वुमेन कभी भी मेजर ब्लड ब्लीडिंग के अंदर लैंड अप कर सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो हमें पहले से ही ब्लड ग्रुप या RH टाइपिंग जो है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। सो कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, ये हमें पहले से सेंड करना ज़रूरी है। नाउ वुमेन को हम कैथेटराइज करेंगे, फॉलीस कैथेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम यूरिन आउटपुट को भी लगातार मॉनिटर कर सकें। उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग यूरिन आउटपुट में क्या वेरिएशन हो रहे हैं। सो ये हम
ऑपरेशन थिएटर में या फिर हम वार्ड के अंदर भी कर सकते हैं। सो फॉलीज कैथेटर इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। न्यूनेटोलॉजिस्ट का अवेलेबल होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ सर्जरी, बिकॉज यहाँ पे हम फीटस को डिलीवर आउट कर रहे हैं, तो फीटस के रिगार्डिंग जितना भी प्रोसीजर है, रीसिसिटेशन है या फिर असेसमेंट है, ये कम्प्लीटली न्यूनेटोलॉजिस्ट की अंडर किया जाता है। सो दे शुड बी प्रायरली इन्फॉर्म्ड। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी जो एनेस्थेटिक टीम है उसे भी हम प्रायर इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्जरी है ये अंडर रीजनल एनेस्थीशिया या फिर जनरल एनेस्थीशिया के अंडर होती है। मोस्ट कॉमनली रीजनल एनेस्थीशिया, जिसमें स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीशिया दिया जाता है, सो हमें उन्हें भी प्रायर इन्फॉर्म करना जरूरी है। एज पर द वुमेन्स कंडीशन डिसाइड किया जाता है कि वुमेन को कौन सा एनेस्थीशिया दिया जाएगा। अगर रीजनल है तो जिसमें बिलो द चेस्ट होल एरिया क्या हो जाता है, नम, जिसमें सेंसेशन जो है वो कम्प्लीटली लॉस किए जाते हैं थ्रू दिस एनेस्थीशिया एंड देन सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें वुमेन पार्शली अवेक मीन्स अवेक रहती है और उसे पता होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, शी कैन सी, ओके। बट इन जनरल एनेस्थीशिया कम्प्लीटली शी इज़ इन अनकॉन्शियस स्टेट पे रहती है, जिससे कम्प्लीटली कुछ भी पता नहीं रहता है, कम्प्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन रहता है। सो ये डिसाइड करता है आपके एनेस्थीशियोलॉजिस्ट, जो कि वहाँ पे वुमेन की कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एनेस्थीशिया देना है। देन वुमेन को हम पोजिशन देंगे स्लाइटली लेफ्ट लैटरल टिल्ट 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हम वीना केवा कंप्रेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि जो ग्रेविड स्टेट है, जो हैवी यूट्रस है, वो मेजर वेसल्स वेन को क्या कर सकता है, कंप्रेस, बिकॉज हमें डॉर्सल पोजिशन के अंदर वुमेन को लाई डाउन करना है। सो ये वीना केवा कंप्रेशन को अवॉइड करने के लिए स्लाइटली लेफ्ट साइड में वुमेन टिल्ट हो, उसके लिए हम राइट बटक के अंडरनीथ वेज जो ट्राइंगुलर शेप एलिवेशन है वो रख सकते हैं, ताकि स्लाइटली वुमेन जो है वो लेफ्ट साइड टिल्ट हो जाए। अदरवाइज ओटी टेबल में भी ऐसे कई मॉडिफिकेशंस होते हैं जैसे हम वुमेन को पोजिशन कर सकते हैं ताकि वो लेफ्ट लैटरल साइड में 15 डिग्री टिल्ट हो सके, झुक सके। देन पार्ट प्रिपरेशन यानी जो पेरिनल एरिया है उसे शेव करने की जरूरत नहीं है, वेरजन वहाँ पे हम हेयर क्लिपिंग कर सकते हैं, ट्रिमिंग ऑफ द हेयर्स कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली स्कैल्प को शेव करना इज नॉट रिकमेंडेड नाउ डेज। सो हेयर क्लिपिंग कर सकते हैं एंड होल एब्डोमिन एज वेल एज जो पेरिनल एरिया है उसे पेंट करेंगे विद द एंटीसेप्टिक लोशन और सॉल्यूशंस, लाइक क्लोरहेक्सिडिन यूज़ कर सकते हैं या फिर पोविडिन आयोडिन सॉल्यूशंस हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो वुंड इन्फेक्शन है उसे हम प्रिवेंट कर सकें विद दिस ऑल लोशंस, ओके। सो एंटीसेप्टिक पेंटिंग एब्डोमिनल वॉल और पेरिनल एरिया की करनी ज़रूरी होती है। अगर वुमेन पहले से ही इलेक्टिव सर्जरी के लिए प्लांट है तो उस कंडीशन में हमें फीटस की जो मैच्योरिटी है उसे असेस करना बहुत ज़रूरी है, यानी आफ्टर 38 और 39 वीक ऑफ जेस्टेशन ओनली हमें सीजरिन सेक्शन जो है वो प्लांट करना ज़रूरी है, अगर ये प्लांट मैनर में किया जा रहा है। अदरवाइज इन एमरजेंसी सिचुएशन वी विल नॉट सी द वीक ऑफ जेस्टेशन, बट हाँ अगर प्लांट है तो वीक ऑफ जेस्टेशन देखना ज़रूरी है। एंड प्री ऑपरेटिवली सारे इंस्ट्रूमेंट्स, निडल्स, स्पंज, गॉजेस, इन सब के काउंट हमें देखना बहुत ज़रूरी है, और ना केवल ये प्री ऑपरेटिवली वेरजन इंट्रा ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली इन सारी काउंट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्जिकल सेफ्टी, ताकि कोई भी चीज़ वुमेन की बॉडी के इनसाइड ना रह जाए। और आईवी लाइन को पेटेंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हमें प्री ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली आईवी इन्फ्यूजन करना है, जिसमें आईवी फ्लूइड्स हम एडमिनिस्टर करेंगे, मे बी आरएल या फिर 5% डेक्सट्रोज। सो लगातार आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आईवी लाइन पेटेंट होना जरूरी है, और ना केवल ये वेरजन इंट्रावीनसली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एज वेल एज ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आईवी लाइन पेटेंट रहना जरूरी है। सो ये बेसिक प्रिपरेशन है जो कि वुमेन को सर्जरी से पहले की जाती है, जिसमें इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना जरूरी होता है और ये सारी प्रिपरेशन करते हैं। नाउ कौन कौन से टाइप ऑफ इंसिजन सीजरिन डिलीवरी के लिए दिए जाते हैं इसको ऑलरेडी डिटेल में हम देख चुके हैं। एक होता है क्लासिकल सेक्शन, जिसमें अपर सेगमेंट के अंदर वर्टिकल लेंथ वाइज क्या करते हैं, इंसाइज करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को, पहले लैप्रोटोमी करते हैं देन हिस्ट्रोटोमी करते हैं, पहले एब्डोमिनल वॉल को इंसाइज करके ओपन करते हैं देन यूट्रस को हिस्ट्रोटोमी मीन्स यूट्रस को इंसाइज करके ओपन अप करते हैं।
तो यहाँ पर जो क्लासिकल है वो बहुत ही रेयर किया जाता है, इट इज़ नॉट कॉमन। बट अगर हमें इमरजेंसी सिचुएशन में स्पीडली अगर हमें करना है तो वर्टिकल सेक्शन, क्लासिकल सेक्शन इज़ गुड। और उसी के साथ में लार्जर अगर स्पेस हमें चाहिए कि बहुत लार्ज इंसिजन बनाना है, तो उस कंडीशन में भी क्लासिकल किया जाता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन हैं जिसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि किस कंडीशन में हम क्लासिकल करते हैं। नाउ दूसरा होता है लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स सेक्शन। लोअर सेगमेंट यानी जो यूट्रस का लोअर पोल होता है वहाँ पर इंसाइज किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे हैं लाइक ट्रांसवर्स इंसिजन जो कि मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं, एंड इसके अलावा वर्टिकल इंसिजन भी दे सकते हैं लोअर सेगमेंट में। और इवन दो ट्रांसवर्स देने के बाद भी अगर हमें इंसिजन को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसे जे शेप में या फिर इन्वर्टेड टी के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले ट्रांसवर्स देके उसे जे बना सकते हैं या फिर मिडली एक्सटेंड करके उसे इन्वर्टेड टी कर सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन जो इंसिजन दिया जाता है वो क्या है, लोअर सेगमेंट में ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, जो कि इसका बिगेस्ट एडवांटेज होता है कि ये कॉस्मेटिकली बेटर होता है बिकॉज एक लार्ज स्कार आपके एब्डोमेन पर नहीं दिखाई देता है इजीली। ओके, सो इट इज़ हाइडिंग बिकॉज इट इज़ बिलो द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के बिलो है, एंड ये यूजुअली हाइड हो जाता है। सो कॉस्मेटिकली इट इज़ बेटर, इसलिए मोस्ट कॉमनली इसे प्रैक्टिस करते हैं लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स सेक्शन के प्रोसीजर के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स को कट किया जाता है एंड देन कैसे प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी लेयर्स यूजुअली सर्जन कट करते हैं, इंसाइज करते हैं, जिसके जरिए हम फाइनली फीटस तक पहुंचते हैं एंड देन उसको डिलीवर आउट करते हैं। सो लेयर्स होती है सबसे आउटर मोस्ट स्किन, सबक्यूटेनस टिश्यूज, फिर होती है फेशिया, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फेशिया जो कि एंटीरियर रेक्टस शीट से मिलकर बनी होती है, जिसमें तीन मसल फाइबर के एपोन्यूरोसिस जो कि मसल फाइबर्स जहाँ पे मर्ज होती है, एपोन्यूरोसिस होता है, वो मिलके बनाती है एक शीट, रेक्टस शीट, एंटीरियर रेक्टस शीट। तीन मसल्स होती हैं, जैसे कि एक है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और दूसरी होती है इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, कि दोनों के एपोन्यूरोसिस दोनों मर्ज होते हैं एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस मर्ज होते, तीनों मिलके बनाते हैं एंटीरियर रेक्टस शीट जो कि सब क्यूटेनस जो टिश्यू है उसके बीनीथ पीछे की ओर पाए जाते हैं अंडरनीथ। ओके, देन आता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ओके, रेक्टस एब्डोमिनस मसल के बाद उसके बीनीथ होती हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के एटेन्यूएटेड फेशियास। ओके, कुछ फेशियास प्रेजेंट होते हैं जो कि पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है लाइनिंग, पेरिटोनियम जो कि पेराइटल पेरिटोनियम होती है उससे अटैच रहती है। सो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के एटेन्यूएटेड फेशियास एंड पेराइटल पेरिटोनियम, एंड उसके बाद आते हैं हमारा, क्योंकि इतना इंसिजन देने के बाद हम एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को इंसाइज कर चुके हैं, नाउ एनकाउंटर करते हैं यूट्रस के आउटर मोस्ट लाइनिंग। और हमें पता है यूट्रस की जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है वो विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है। ओके, सो विसरल पेरिटोनियम, देन मायोमेट्रियम, और उसके बाद में द डेसिडुआ, देन एमनियोटिक मेम्ब्रेन की लाइनिंग्स होती है एंड देन हम फीटस तक पहुंचते हैं। सो दीज आर द लेयर्स जो कि सीक्वेंस वाइज हमें मिलती हैं और फाइनली हम फीटस तक पहुंचते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन इंसिजन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसिजन। और जिस कॉमन मेथड के जरिए एब्डोमिनल इंसिजन दिया जाता है उसे बोलते हैं फेनेस्टील इंसिजन। ओके, सो फेनेस्टील इंसिजन को यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगी डिटेल इस प्रोसीजर के बारे में कि सबसे पहले कहाँ पे देते हैं, इट इज़ जस्ट अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर 3 सेंटीमीटर अबव, यानी जो प्यूबिक हेयर लाइन होती हैं, प्यूबिक हेयर लाइन जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे यूजुअली इंसिजन देते हैं 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इन ट्रांसवर्स मैनर, जो कि स्कैल्पल से देते हैं और स्कैल्पल से सबसे पहले स्किन एंड देन ट्रांसवर्सली सबक्यूटेनस टिश्यूज को इंसाइज करते हैं। ओके, और उसके बाद हमें क्या मिलती है, एंटीरियर रेक्टस शीट, उसे भी ट्रांसवर्सली इंसाइज करते हैं
ओके सो जब एंटीरियर रेक्टल शीट को ट्रांसवर्सली इंसाइज करते हैं तो उसके बीनीथ कई वेसल्स और कई नर्व फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली ध्यान ये देना है कि इंसिजन लैटरली बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए, अदरवाइज अगर इसका लैटरल एक्सटेंशन होता है बहुत ज़्यादा तो ये कई नर्व फाइबर्स और कई मेजर ब्लड वेसल्स को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब, जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और कई सेंसरी लॉस हो सकता है इन दिस एरिया। ओके सो बेसिकली अगर जब लैटरल एक्सटेंशन हो जाता है, जो मेजर वेसल्स और नर्व्स एनकाउंटर जो होती हैं, जो मिलती हैं, वो हैं इलियो इनग्वाइनल नर्व एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और जो वेसल्स मेजरली एनकाउंटर होती है वो है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। सो इनके डिस्टर्ब होने के चांस तब बढ़ जाते हैं जब इंसिजन बहुत लैटरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, अदरवाइज ये डिस्टर्ब नहीं होती हैं। सो ये वेसल्स और नर्व फाइबर्स कहाँ पे एनकाउंटर होती है, जस्ट बीनीथ, नीचे एंटीरियर रेक्टस शीट के नीचे मिलती है। नाउ एंटीरियर रेक्टस शीट के नीचे जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल। लेकिन यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल को हमें इंसाइज नहीं करना है, वेरेज़ उसे हम क्या करेंगे, लैटरली पुश करेंगे, क्योंकि एनेस्थेटिक इफेक्ट के कारण ये जो मसल्स होती है कई लैक्स हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसे इजीली हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके इसे इस फैन एंड स्टील इंसिजन के अंदर, ये एक बेसिक डिफरेंस है, इस फैन एंड स्टील इंसिजन के अंदर रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को इंसाइज नहीं करते, वेरेज़ उसे क्या कर देते हैं, स्लाइटली सेपरेट। नाउ जैसे सेपरेट करेंगे तो बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज है जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को एडजॉइन करते हैं उसे हमें इंसाइज करना होगा, दैट इज लीनिया एल्बा, एंड देन उसके बाद कहाँ पे पहुँचेंगे, पेरिटोनियम में। सो पीछे क्या आ रहा है, दैट इज फेशिया, पोस्टीरियर शीट फेशिया, जिसके अंदर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स के एट्यूनेटेड फाइबर्स होते हैं और हमारा पेराइटल पेरिटोनियम होता है। सो उसे सबसे पहले हम फोर्सेप की हेल्प से क्या करेंगे, ग्रास्प करेंगे, फोर्सेप से हम पकड़ेंगे एंड देन उसे इंसाइज करेंगे, सुपीरियर बॉर्डर से हम नीचे की ओर आएंगे। ओके जहाँ इंसिजन दिया है वहाँ पे हम सुपीरियर से नीचे की ओर आएंगे, डायरेक्टली हम बिलो नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे ब्लैडर होता है, सो हम ब्लैडर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड ये जो इंसिजन है, यस हम इंसिजन को स्कैल्पल से और सीजर से यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लंट टेक्निक भी सर्जन यूज़ करते हैं, जिसमें एक बार इंसिजन देने के बाद में दोनों फिंगर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी उसे लैटरली एक्सटेंड किया जा सकता है इन ईच लेयर। ओके इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी स्टेप के अंदर लेयर बाय लेयर जो हम कट कर रहे हैं, यस ऑफकोर्स उस पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे लगातार हमें उस फील्ड, सर्जरी फील्ड एरिया को लगातार हमें क्लीन रखना ज़रूरी है फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। सो हम प्रॉपरली हर जगह हर स्टेप पर क्या करेंगे, सक्शनिंग कर सकते हैं। ओके सो सक्शनिंग के जरिए बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और अगर कोई भी वेसल्स अंडरनीथ जो आती है या जो भी डिस्टर्ब हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे लगातार ब्लीडिंग वेसल्स को हमें क्या करना है, कोएगुलेट, कॉटराइज करना है, और या फिर लाइगेट कर सकते हैं, ताकि मेजर स्पिलिंग के कारण विजुअलाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके नाउ कहाँ पे हम आ चुके हैं, ट्रांसवर्सालिस एब्डोमिनस मसल के बाद में पैराइटल पेरिटोनियम। सो इन दोनों लेयर्स को हम क्या करेंगे, सुपीरियर टू इन्फीरियर इन अ वर्टिकल मैनर क्या करेंगे, फोर्सेप से पिक करेंगे एंड देन इंसाइज करेंगे लेंथ वाइज, एंड देन अगेन मैंने जैसे बताया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर हम लैटरली एक्सटेंड करेंगे। नाउ अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, सारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो लेयर है वो इंसाइज हो चुकी है, यानी लैप्रोटॉमी हो चुका है। नाउ वी एंटर इन टू द एब्डोमिनल कैविटी। ओके सो यहाँ तक लैप्रोटॉमी होने के बाद अब हमें करना है हिस्टरोटॉमी, यानी यूट्रस को इंसाइज करना है। तो हम जानते हैं कि यूट्रस की सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग क्या है, दैट इज विसरल पेरिटोनियम। सो विसरल पेरिटोनियम क्योंकि ये एंटीरियर एस्पेक्ट है यूट्रस का। ओके सो यूट्रस के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, ब्लैडर। सो यहाँ पे जो विसरल पेरिटोनियम जो होती है एंटीरियर एस्पेक्ट पे, वो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है ब्लैडर पे, जिसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूवी फोल्ड, यूट्रोवेसिकल फोल्ड। सो दिस इज द लैंडमार्क जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि यूवी फोल्ड कहाँ पे है, उसे पिकअप करना है एंड देन वहां से स्लाइटली क्या करना है, ट्रांसवर्सली इंसाइज करना है विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल और द सीजर। ओके सो ट्रांसवर्सली हम क्या करेंगे, यूवी फोल्ड से इंसिजन देंगे ऑन द विसरल पेरिटोनियम। ओके यस नाउ
इसके बाद हमें, क्योंकि यहाँ पे ब्लैडर है, बहुत प्रिकॉशन रखना है। ब्लैडर को हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर स्लाइटली डाउन पुश कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारा एग्जैक्टली क्या आएगा, इंसिजन पॉइंट। सो इन अ ट्रांसवर्स मैनर उसके बाद हम क्या करेंगे, विस्टल पेरिटोनियम के बाद जो लाइनिंग आती है मायोमेट्रियम, उसको हम स्कैल्पल की हेल्प से नॉट टू डीप, 2 से 3 सेंटीमीटर तक धीरे धीरे हल्के स्ट्रोक के जरिए ट्रांसवर्स मैनर में लेयर बाय लेयर कट करेंगे। और धीरे धीरे इसलिए करना है क्योंकि ये लोअर सेगमेंट है जो कि फुल्ली फॉर्म्ड है और थिन हो चुका है, इट इज़ नॉट टू थिक, सो थिन है। और इसके जस्ट बीनीथ क्या मिलेगा हमें, फीटल बॉडी पार्ट्स। सो लेयर बाय लेयर कट करेंगे ताकि फीटस बॉडी टिश्यूज को कहीं भी इंजरी ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। सो लेयर बाय लेयर जैसे हम कट करते हैं मायोमेट्रियम के बाद, तो नेक्स्ट हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, हिस्टोटोमी के जरिए डायरेक्टली वी एंटर इन टू दी यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुँच जाते हैं। और इस कैविटी के अंदर वैसे यूजुअली लेयर बाय लेयर जब हम कट करते हैं तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी यूजुअली क्या हो जाती है, कट हो जाती है, एंड द ब्लड एज वेल एज जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो डायरेक्टली क्या होता है, बाहर आता है। सो अगर नहीं भी आ रहा है और अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो हम कॉचर फोर्सेप्स से उसे रप्चर कर सकते हैं, एंड देन लैटरली विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर हम मायोमेट्रियम को भी क्या कर सकते हैं, लैटरली एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो ये एक्सटेंशन इतना होना चाहिए कि इजिली फिटस बाहर आ सके, बट नॉट टू लैटरल कि वो यूट्राइन वेसल्स को डैमेज करे। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि लैटरली क्या प्रेजेंट है, यूट्राइन वेसल्स। नाउ जैसे ये होता है तो उस स्टेप के अंदर हम लगातार सबसे पहले सक्शनिंग एज वेल एज सक्शनिंग के जरिए जितना भी फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड और जो ब्लड स्पिल हुआ है, उस सारे फील्ड एरिया को कम्प्लीटली क्लीन करेंगे। देन जैसे ही फीटल बॉडी पार्ट विजिबल होता है, फीटल हेड, तो हम हैंड को इंट्रोड्यूस करेंगे अंडरनीथ द हेड ऑफ द फीटस। ओके, पाम और फिंगर की हेल्प से हेड को ग्रास्प करेंगे एंड स्लोली क्या करेंगे, हेड को ग्रास्प करने के बाद बाहर की ओर मूव करेंगे। ओके, इंसिजन से ऊपर मूव लिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वुमन जो है एनेस्थीशिया में वो वॉलंटरली फंडल प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकती हैं, तो उस कंडीशन में हम असिस्टेंस की हेल्प के जरिए फंडल प्रेशर देंगे ताकि हेड जो है वो इजीली डिलीवर आउट हो सके, एंड दोनों हैंड्स से इजीली हेड एंड नेक एरिया को ग्रास्प करेंगे, एंड देन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मैनर में हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शोल्डर को भी डिलीवर आउट करेंगे एंड होल ट्रंक को बाहर निकालेंगे। सो एज सून द फीटस इज डिलीवर्ड, जैसे निकलता है तुरंत हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो सेम है जैसे कि हम वजाइनल डिलीवरी में करते हैं, क्लैंपिंग द कॉर्ड, कट करेंगे एंड फीटस को सबसे पहले नियोनेटोलॉजिस्ट को देंगे ताकि वो कंप्लीटली पहले जितना भी म्यूकस है इन द ओरल एंड नेजल कैविटी उसे सक कर सकें, बेबी को प्रॉपरली क्लीन कर सकें, प्रॉपर बेबी का असेसमेंट हो सके, एंड देन जो प्लासेंटा है उसे हम डिलीवर आउट करेंगे। सो यहाँ पे प्लासेंटा, क्योंकि यूट्रस यहाँ पे ओपन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लासेंटा को पुल कर लें, वी विल एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करेंगे जिसमें ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे एंड प्लासेंटा को अपने लेवल पे ही सेपरेट होने देंगे टू सेपरेट बाय इट्स ओन, एंड कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के जरिए और स्लाइट फंडल प्रेशर के जरिए क्या करेंगे, प्लासेंटा को डिलीवर आउट करेंगे। देन क्या करेंगे, प्लासेंटा की कंप्लीटनेस को चेक करेंगे, विल चेक द कॉटिलिडोन्स एंड द फीटल मेम्ब्रेन्स। ओके, ये सारा चेक करने के बाद में जैसे ही प्लासेंटा बाहर आ जाता है तो फील्ड एरिया को प्रॉपरली सक्शन मशीन के जरिए सक करेंगे, कोई भी फ्लूइड या ब्लड जो भी है उसको सारा रिमूव करेंगे, क्लॉट्स या जो भी है, यूट्रस को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो है यूट्राइन क्लोजर। ओके, सो यूट्रस को हम क्लोज करेंगे, क्लोजर जो है वो सर्जन दोनों टेक्निक से करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहते हुए भी सूचर कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्जन उस यूट्रस को होल्डली क्या करते हैं, इंसिजन से बाहर निकाल देते हैं एंड देन प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो सके, बेटर ब्लीडिंग वेसल्स को चेक कर सकें, वो सारा देखते हुए यूट्रस को बाहर निकाल के भी इनसाइड जो क्लोजर है वो करते हैं। सो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है क्लोजिंग क्लोजर के लिए वो है क्रोमिक कैटगट 0 या 1 नंबर, जिसमें एब्जॉर्बल सूचर मटेरियल होता है, और ऑल टुगेदर इस होल इंसिजन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो हिस्टोटोमी है यानी जो यूट्रस के अंदर जो इंसिजन दिया है उसे क्या करेंगे, क्लोज।
कंटिन्यूस मैनर के अंदर क्लोजिंग की जाती है। और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो होल इंसिजन जो है उसके दोनों एंगल्स को भी कवर करना ज़रूरी है स्टिच की बाइट के अंदर, अदरवाइज अगर कुछ भी एरिया अगर ओपन होगा तो देयर मे बी अ चांस ऑफ वुंड, हेमेटोमा और ब्लीडिंग। ओके, सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, दोनों एंगल्स को क्या करना है, कवर करना है। ओके, कंटिन्यूस मैनर में सिंगल स्टिच और कुछ लोग डबल स्टिच को भी प्रेफर करते हैं, बट सिंगल स्टिच इज गुड इनफ, जिसमें टाइम भी सेव होता है। ओके, नाउ जैसे ही यूट्रस क्लोजर होता है जिसमें हम मायोमेट्रियल लाइनिंग को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, जैसे ये क्लोज होता है मायोमेट्रियल लाइनिंग एंड यूट्रस क्लोज जो है, यूट्रस का क्लोजर हो चुका है, स्टिचेस हो चुके हैं, तो उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि यूट्रस को अपने पोजिशन में रखना है एंड जो भी यूट्राइन एडेनेक्सिया है यानी फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, उन सबको भी हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हम मेजर एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हैं जिसमें जो भी अंडरनीथ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी देखना ज़रूरी होता है। सो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद में उस पूरे एरिया को प्रॉपरली क्लीन करना है, अगर कोई भी फ्लूइड या फिर ब्लड है, ब्लीडिंग वेसल्स को भी टाइम टू टाइम कोएगुलेट करना है या फिर लाइगेट करना है। ओके, नाउ चेक प्रॉपरली कि कोई भी ब्लड जो है वो ऊज आउट तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग वेसल्स कॉटराइज हो चुकी है। ओके, नाउ उसके बाद जो दो लाइनिंग्स होती है यानी विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम, उसे हम यहाँ पे स्टिच नहीं करेंगे, दे लेफ्ट रिमेन ओपन। ओके, क्योंकि सर्जरी के अंदर ही होता है कि जितने ज़्यादा स्टिचेस देंगे, जितने ज़्यादा हम स्यूचर या फॉरन मटेरियल्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे, उतना ही चांस हुआ कि वुमेन के अंदर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे स्टिचेस इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट लाइनिंग आ रही है यानी विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम, उसके अंदर हम स्टिचेस नहीं करेंगे यानी उससे क्लोज हम नहीं करेंगे। नाउ तो उसके बाद क्या आता है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो कि वाइड हो चुकी है यानी साइड में लैटरली मूव कर चुकी है, दैट विल कम क्लोजर। ओके, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब हम स्टिच करेंगे। ओके, सो उससे हमें कुछ नहीं करना है। देन उसके आगे जो लेयर है, दैट इज एंटीरियर रेक्टस शीट, नेक्स्ट ये लाइनिंग होती है जिससे कि हम क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। सो सेम इसे भी हम कंटिन्यूस सूचरिंग के जरिए क्लोज करेंगे। ओके, एंड दोनों एंगल्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सो रेक्टस शीट, इसका काउंटर, इसके सुपीरियर इन्फीरियर एजेस को देखते हुए कंप्लीट कंटिन्यूस मैनर में सूचरिंग करेंगे एंटीरियर रेक्टस शीट को। नाउ उसके बाद आता है सबक्यूटेनस लेयर, बट यहाँ पे सबक्यूटेनस लेयर को भी स्टिच हम नहीं करेंगे। सो लास्ट क्लोजर जो होता है वो स्किन का होता है। सो सबक्यूटिकुलर स्टिच या फिर मेटल स्टेपल्स भी यूज कर सकते हैं टू स्टिच द स्किन, ताकि जो दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर एज जो है, लाइनिंग्स जो हैं स्किन की जो इनसाइज हुई है वो प्रॉपरली क्लोज आ सके। सो इस पर भी हम कंटिन्यूस सूचरिंग करेंगे अगर सबक्यूटिकुलर स्टिच यूज़ कर रहे हैं तो, या इंटरमिटेंट भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन मेटल स्टेपल भी यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर जिसके ज़रिए फाइनली फीटस एंड प्लासेंटा एक्सपेल आउट होते हैं एंड बेबी की डिलीवरी होती है। एंड लास्टली इस होल जो स्टिचेस हैं उनके ऊपर अगेन हम एंटीसेप्टिक लोशन की पेंटिंग करेंगे एंड देन एक प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे। ओके, देन पोस्ट ऑपरेटिवली क्या केयर देना ज़रूरी होता है। सो जैसे ही ओटी टेबल पर वुमेन जो है वो जनरल एनेस्थीसिया से बाहर आती है या फिर जो रीजनल एनेस्थीसिया है वो फेड होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और वुमेन पार्शली अवेक होने लगती है, तो उसी के साथ में वुमेन के बेसिक पैरामीटर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, यूरिन आउटपुट, वाइटल साइंस, ब्लीडिंग, यूट्राइन टोन। सो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम वुमेन को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर शिफ्ट करते हैं एंड ना केवल इमिडिएटली चेक करना है, वेर एजन हमें 4 आवर्ली लगातार वुमेन को ऑब्जर्व करना है फॉर फर्दर ब्लीडिंग, क्योंकि अगर यूरिन आउटपुट भी कम है तो हो सकता है कोई अननोटिस्ड ब्लीडिंग हो सकती है या फिर ऑक्सीटोसिन के एंटी डायरेटिक इफेक्ट के कारण भी यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। सो यूरिन आउटपुट भी चेक करना ज़रूरी है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली सीजरन सेक्शन, अनकॉम्प्लिकेटेड सीजरन सेक्शन के जरिए
1000 ml ब्लड लॉस होता है। सो अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो वुमेन पोस्टपार्टम हैमरेज कंडीशन के अंदर लैंड अप कर सकती है। सो वो चेक करना ज़रूरी है। देन वुमेन जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट होती है तो वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं हम, ओके, विद असिस्टेंट। एंड जो कैथेटराइज किया था हमने वो विद इन 12 आवर्स के बाद में हम उसे रिमूव कर सकते हैं। एंड वुमेन को एम्बुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, शी कैन मूव हर लेग्स और लिम्स, ओके, बेड पे लिम्स को मूव कर सकती है, सिट हो सकती है, एंड बाय द इवनिंग और नेक्स्ट डे ऑनवर्ड शी कैन एम्बुलेट, वॉक कर सकती है विद द असिस्टेंस। बिकॉज ये देखा गया है कि जो सिजेरियन डिलीवरी के जरिए जो वुमेन डिलीवर आउट करती है उनमें वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ब्लड क्लॉट्स वेसल्स के अंदर ज़्यादा फॉर्म होते हैं इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल डिलीवरी। सो वुमेन को एम्बुलेट करने के लिए एनकरेज करेंगे ताकि जितना भी उसने फिजियोलॉजिकली एक्स्ट्रा वॉल्यूम गेन किया है एक्स्ट्रा सेलर टिश्यूज के अंदर, वो सारा वो क्या कर सके, एक्सक्रीट आउट कर सके, ओके। सो एम्बुलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड डाइट के अकॉर्डिंग अगर जो वुमेन है वो पोस्ट सर्जरी लिक्विड डाइट से स्टार्ट कर सकती है ऑन द सेम डे ऑनवर्ड्स आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद लिक्विड डाइट पर रह सकती है। एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स सेमी सॉलिड डाइट, एंड देन जो टॉलरेट कर सकती है उसके हिसाब से हम वुमेन को डाइट एडवाइस कर सकते हैं। सो फर्स्ट लिक्विड दे सकते हैं, अगर टॉलरेबल है देन सेमी सॉलिड डाइट पर मूव कर सकती हैं। स्टिचेस अगर मेटल स्टेपल्स पे हैं तो फिर फोर्थ डे पे रिमूव हो जाते हैं, अदरवाइज जो स्टिचेस होते हैं वो एब्जॉर्बल होते हैं जिसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ड्रेसिंग जो है वो थर्ड डे ऑनवर्ड्स चेंज की जा सकती है और टाइम टू टाइम उसे असेस कर सकते हैं फॉर एनी ब्लीडिंग वेसल्स और वूंड हेमाटोमा और एनी पस, ओके। एंड आइडियली अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन डिलीवरी के अंदर वुमेन जो है वो थर्ड और फोर्थ डे क्या हो सकती है, डिस्चार्ज की जा सकती है। और उसी के साथ में पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक्स भी वुमेन को एडमिनिस्टर किए जाते हैं टू रिलीव पेन। सो दीज आर द बेसिक केयर जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली की जाती है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के जरिए हमने समझा कि सिजेरियन डिलीवरी के अंदर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन क्या होती है और ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं बेबी और प्लासेंटा को डिलीवर आउट करने के लिए, एंड आफ्टर सर्जरी क्या क्या केयर दी जाती है। थैंक यू।